स्वागत है आप सबका स्टडी टाइम फॉर यू चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यूज, और वो भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ऐसा क्यों करते हैं? बस इन्हीं डिग्रियों के वैल्यूज हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर यूज होते हैं और ये हमें याद भी रहना चाहिए। तो इनको निकालने का मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट तरीका कैसे निकाल सकते हैं, रट सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखो इसको रटने का जो तरीका रहता है उसको ऐसा रहता है कि साइन में ये टेबल आप बना सकते हो कभी भी, जिससे आपको 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का जो भी इसका साइन का वैल्यू आ रहा है उसको डायरेक्ट आप पकड़ सको और लिख सको जहां भी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स है, एंगल्स हमारे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये डिग्री कहलाता है, जो ऊपर छोटा जीरो है ये इसको डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री में। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कोस और टेन। अब ये बनता कैसे, इसके वैल्यूज कैसे यहाँ पे आएंगे कि साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है, ऐसे ही हर कोस 0 पे क्या है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 10 में भी ऐसे ही वैल्यूज क्या है, 10 90 की वैल्यू क्या है, ऐसे कोई भी पूछ ले तो आपको कैसे सिंपलेस्ट तरीके में निकालना है। तो देखो साइन का जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है। तो इसको एक काम ऐसे रटो इसको कि हमें इसको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है और इसको एक एक बढ़ाना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पे खत्म हुआ, 4 से ही डिवाइड करना है सबको, एक और ये भी और ये भी। ये तीनों जब ये चारों में ऐसे हम पांचों में ऐसे डिवाइड करना है 4 से, तो उसके बाद इसका निकालना है आपको अंडर रूट। आप जब इसमें पूरा अंडर रूट कर दोगे सभी में तो आपका फायदा, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे तो आपको ना इसकी रियल जो वैल्यूज है उसका पता चल जाएगा। 0.4 तो ये तो 0 ही होगा, आपको भी पता होगा। 1/4, 1 का अंडर रूट करते हैं तो 1 ही आता है, और अंडर रूट 4 करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर a इंटू ए है रूट के अंदर तो वो आता है a। तो यहाँ पे 2 × 2 4 को लिख सकता हूं, और 2/2 है इसलिए एक बार बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे इसमें पहले आपको कट करना पड़ेगा, तो 2 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा और ये कटेगा तो यहाँ बचेगा 2। तो 1 का अंडर रूट होता है 1 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2। ऐसे आपको अंडर रूट 3/4 को सोल्व करना है, अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 रह जाएगा और अंडर रूट 4 का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 होता है तो रूट के अंदर इसलिए 1/2 बाहर जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 4/4 कट जाएगा, 1 का अंडर रूट होता है 1, तो ये वैल्यूज आ गई। मतलब साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। बस अगर आपको जब कोस का निकालना है तो इसका ऑपोजिट स्टार्ट कर दीजिए, वहां से आपको लिखना है, यहां से उल्टे क्रम में, मतलब पहले ये फिर ये। तो ऐसे लिखते हैं 1 अंडर रूट 3/2, फिर हमारा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये डायरेक्ट इसमें वैल्यूज आ गई। मतलब आपको बस एक बार ये समझ में आना चाहिए, ये हमने ये चीजें रट लेना है आपको कि कैसे करना है। पहले 0 से 4 तक वैल्यूज लिखनी है, फिर 4 से सबको डिवाइड करना है, फिर अंडर रूट कर देना, जो वैल्यूज आ रही है वो इसके सामने वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ऐसे ये सारे वैल्यूज हमने निकाल ली, 30 पे भी 45 पे भी 60 भी 90 भी। 10 कैसे बनता है, तो 10 का जो हमारे पास 10 थीटा होता है उसका मतलब क्या होता है कि 10 थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये लिख देंगे, तो 0/1 0 होता है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, मतलब यहां पे हमें क्या करना है, 1/2 है और उसको डिवाइड कर रहा है √3/2। ठीक है, मतलब 10 30 डिग्री पे निकालना है, तो साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कोस 30 डिग्री, तो इसको डिवाइड करना है, तो 2 ऊपर भी नीचे भी, ये दोनों के डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब नीचे की भी वैल्यू में है अपने पास और ऊपर की भी वैल्यू में, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/√3। अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा तो पता है ये कैसा होता है, ये आपका ये इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है,
मतलब रूट थ्री नीचे ले जाता है और ऊपर आ जाता है टू टू, तो टू से टू कैंसिल, इससे ये भी आता है वन बाय रूट थ्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका वन बाय रूट थ्री। ऐसे ही आप आगे बढ़ाओ बढ़ोगे तो वन डिवाइड बाय वन हो जाएगा, मतलब रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, और रूट थ्री बाय टू डिवाइड बाय वन बाय टू, तो टू से टू कैंसिल, नीचे के ऊपर के ही बचेगा तो रूट थ्री। और अगर वन डिवाइड बाय जीरो तो जीरो का भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसको नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज पे, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। बहुत इजी है ये, हर जगह यूज होता है और हमेशा बस इन्हीं पांच डिग्रियों के बारे में हम जानना रहता है ज्यादातर, बाकी जो दूसरी डिग्रीज है वो हम इनके कारण हम निकाल सकते हैं। मतलब ये अगर हमें पता हो, ये सारी वैल्यूज पता हो कैसे निकलती है या रट लिया, तो हम दूसरे डिग्री भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर साइन 15 पूछेगा तो 45 - 30 करेंगे तो 50 निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये करना, और वो दूसरे फॉर्मूले भी यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, टेन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही जब आप ये साइन के साथ में जो भी वैल्यूज इसमें से आएगी वो अगर पूछेगा कि कौन सी है, तो इसमें हम ऐसे रो और कॉलम को मर्ज करेंगे, वाले वैल्यू साइन 45 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो और ये कॉलम क्या है, साइन 45। तो इसके सामने हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है, 1/√2, तो हम साइन 45 की जगह 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये टेबल बनाना बता दिया मैंने कि ये टेबल कैसे बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही,